गाइस इन दिनों प्रभात स्टारर फिल्म कल्कि 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर जमकर बवाल काट रही है। आपको बता दें इस फिल्म को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 20 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इस फिल्म के 20वें दिन के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस फिल्म के 21वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में साल 2023 में शाहरुख खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के 21वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ सुपरस्टार प्रभात स्टारर फिल्म कल्कि 2898 एडी के बारे में। आपको बता दें ये एक साइंस फिक्शन एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 8000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें प्रभास, कमल हसन, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, दुलकर सलमान और अन्ना बेन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन नाग अश्विन ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 95,30,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 414,85,00,000, दूसरे हफ्ते में 128,50,00,000 रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। वहीं 18वें दिन इस फिल्म ने 16,45,00,000, 19वें दिन 3,85,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 20वें दिन यानी अपने तीसरे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4,25,00,000 रुपए के रेंज में दमदार कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म कल्कि का टोटल 20 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 588,25,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म कल्कि ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 1,045 करोड़ रुपए के रेंज में दमदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म 21वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 21वें दिन यानी अपने तीसरे बुधवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही जब बात कर लेते हैं शाहरुख खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान के बारे में। आपको बता दें ये एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, सान्या मल्होत्रा, अमृता अय्यर, प्रिया मणि, रिद्धि डोगरा और सुनील ग्रोवर जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन इटली कुमार ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7 out of 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 389,88,00,000, दूसरे हफ्ते में 136,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 19वें दिन 5,40,00,000, 20वें दिन 4,90,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 21वें दिन इस फिल्म ने 4,85,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। इस तरह से फिल्म जवान का टोटल 21 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 575,93,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म जवान का टोटल 21 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1,020 करोड़ रुपए के रेंज में दमदार कलेक्शन कर लिया था। वैसे आपको प्रभात स्टारर फिल्म कल्कि और जवान में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।